पहली मीटिंग रखी हुई थी, तो हम भी स्पेशली अपनी कैबिनेट की मीटिंग से सीधा आए और मेन मकसद ये हॉस्पिटल जो था ये पंजाब का नहीं पाकिस्तान का बेस्ट हार्ट हॉस्पिटल था और वक्त के साथ साथ इसका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत नीचे जाता रहा है और आपने खुद ही देख लिया कि पेशेंट्स ज़मीन पे भी लेटे हुए थे, बुरी हालत थी सारी। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि डॉक्टर नुमान ने अब चार्ज लिया है और बोर्ड भी आ गया है, बोर्ड अपने चेयरमैन भी अभी इलेक्ट कर लेंगे थोड़ी देर में, तो ये लोग दिन रात काम करेंगे और हम इसको, मुझे बड़ी उम्मीद है, ये सारी टीम हमारी यहाँ पे कैबिनेट की भी है और चीफ सेक्रेटरी खुद साथ आए हुए हैं और ये सब अगले दिनों में हफ्तों में इसको चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इन्होंने कल चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग भी रखी हुई है हॉस्पिटल्स में काफ़ी बड़ी, और पिछले दिनों जो हॉस्पिटल के विज़िट हुए हैं वो कोई अच्छे नहीं गए, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, इस गर्मी के मौसम में एसी ना होना, डॉक्टर्स का अवेलेबल ना होना, दवाई ना होना, ये ऐसी चीज़ें जो हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। तो अब सारे जावेद अकरम साहब भी अब विज़िट पे निकल रहे हैं, तो पूरी टीम मिल के इंशाल्लाह ताला अभी मरी वाले हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर जमाल साहब जो हैं वो दिन रात लगे हुए हैं, वो इंशाल्लाह आपको अगले दो चार दिन में उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, वहाँ पे भी वही बुरी हालत थी। तो कोशिश पूरी टीम कर रही है, दिन रात लगी हुई है, सुबह से रात तक लगी हुई है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि रिज़ल्ट भी जल्दी सामने आएंगे। सर ये अच्छा सीएम साहब, ये बड़ा खुश हैंड इकदाम है आपका कि जो आप खुद अस्पतालों में जा रहे हैं और अस्पतालों के हालात जो है अब थोड़े से बेहतर होना शुरू हो गए हैं, यानी कि जो काम मुंतखब वज़ीर-ए-आला रहे हैं पंजाब में उन्होंने स्पीड में नहीं किया और आप कर रहे हैं और अस्पतालों में खुद जा रहे हैं और मरीजों की बातें सुन रहे हैं, तो अभी ये बताइएगा कि जिन अस्पतालों में आप गए हैं वहाँ पर जिनकी गलतियाँ थी कोताहियाँ थी तो उनको अभी तक कोई बड़ी सजा क्यों नहीं दी गई, वो तो अभी भी नहीं है। मेरा हर एक अपने में आदत होती है, पिछले वज़ीरे आला भी अपनी अपनी मेहनत करते रहे, मेरा बिलीव क्या बल्कि हम सबका बिलीव है कि अगर किसी को सज़ा देनी है कुछ करना है तो पब्लिक में ना करें। हम बहुत सारों के खिलाफ एक्शन ले चुके हैं लेकिन हम मीडिया को नहीं बता रहे क्योंकि हर एक की इज्जत होती है और बड़े तरीके से कर रहे हैं और उसमें हम इकट्ठे फैसला करते हैं, एक्शन ले रहे हैं लेकिन हम पब्लिक नहीं कर रहे। सर ये बताएं कि अजीब नहीं, ख़त्म नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है लेकिन उसका जो थोड़ा मिस यूज़ था या वो उसको हम कंटेल कर रहे हैं। अच्छा सर, ये मुफाद अमा के जो अदारे हैं उस पर बड़ा फोकस है आपका, एक मुफाद अमा का अदारा जो है वो पुलिस भी है जहाँ पे आम लोग आते हैं, क्या आईजी साहब की जो तब्दीली के हवाले से खबरें हैं इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि आपने ही फैसला करना है और इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखें ये आईजी साहब मेरे साथ खड़े हुए, आईजी साहब कहीं नहीं जा रहे, अल्लाह ताला खैर रखे, आईजी साहब कायम दायम है और इंशाल्लाह ताला जिस मेहनत से काम कर रहे हैं ये पंजाब के लिए ब्लेसिंग है कि इस तरह का आईजी हमें मिला हुआ है, इस तरह का चीफ सेक्रेटरी मिला हुआ है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर रखे, ये यहीं पर है। सर बताइएगा कि आपके नोटिस में वादा तकरीबन पंजाब के पाकिस्तान के, मैं पंजाब की बात करता हूँ, हर सरकारी हॉस्पिटल्स में तकरीबन बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं, डॉक्टर साहब को भी पता होगा, तो जो अपना एमएलए और क्लैब क्लियर करने के बाद बाहर चले जाते हैं और उनकी इन पंजाब हॉस्पिटल में भी सीटें रिजर्व आते हैं, जॉब के पैसे ले रहे हैं और यहाँ पर भी उनकी सीट रिजर्व है, जबकि आपको पता है कि मेडिकल में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, हम गिनती पूरी कर रहे हैं आजकल। नर्सिस की भी बड़ी कमी हो रही है, 3000 हमने देखे नर्सिस बाहर जाने के लिए हम बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं, जिसने बाहर जाना है बिल्कुल जाए क्योंकि वो वहाँ से आपके लिए जो भी वहाँ करेंसी में तनख्वाह लेती है वो वापस भेजती है। हमने 3000 नर्सिस की ट्रेनिंग थी वो 6000 कर दी है और इंशाल्लाह ताला वो अगले एक आधे महीने में वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, ज़्यादा लाहौर के नहीं है, नहीं लाहौर के नहीं है, क्योंकि पूरे पंजाब के हैं, पिंडी का बहुत बड़ा है, साउथ पंजाब के प्रोजेक्ट हैं पहली बार, दूसरी बात पेंशन वाली,
20% की पेंशन इजाफा हुआ है जो फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है, हमने 20% भी किया है, एज वाइज किया है, हर एक अपना अपना मैटर करने का तरीका है उसको वैल्यूएट करने का, हमने 20% भी किया, 5% भी किया, 80% तो हमने तकरीबन 90 बिलियन का एक्स्ट्रा लोड लिया है इस सैलरी रेस से। एक पहली बात कि मैं किसी को भी नहीं मिला, और जिन दिनों में आप मेंशन कर रहे हैं उन दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं मिला, हमारे अपने यार दोस्त हैं, मैं इसलिए उनकी खबर को कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जिसने दिया था मैंने उनको बता दिया था ये खबर ठीक नहीं है। तो जहाँ मैं बैठा हुआ था और जिस शहर की बात हो रही है वो दो डिफरेंट जगह है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।